नमस्ते बच्चों, आज हम अपनी माय इंग्लिश बुक स्टैंडर्ड 1 का पेज नंबर 13 ओपन करेंगे। सभी लोग अपने पेज नंबर 13 ओपन कर लें। यहाँ पर यह लेसन है फन टाइम। फन टाइम समझते हो किसे बोलते हैं? फन टाइम मीन्स जहाँ पर बच्चे खेलते हैं और फन भी करते हैं, मजा करते हैं। तो सबसे पहला हमारा, यह आप लोग देख रहे हैं क्या लिखा गया है, थ्रो द बॉल। थ्रो द बॉल, और वहाँ पे हमको क्या पूछना है, व्हाट्स योर नेम, मतलब जो बॉल थ्रो करेगा और जिसके पास वो बॉल कैच होगी वो अपना नाम बताएगा, और जो थ्रो करेगा वो पूछेगा व्हाट्स योर नेम। ये एक्टिविटी है, अगर स्कूल चालू होता तो ये क्लास में ज़रूर कराई जाती, बट ये एक्टिविटी है, ये हमें समझ के लेना है। What's your name? जो देखो थ्रो कर रहा है और जो कैच कर रहा है, वो जो थ्रो कर रहा है वो पूछ रहा है What's your name? और जिसने कैच किया वो अपना नाम बताएगा, My name is Sonal। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग को देखें, वन नंबर पे देखिए क्या लिखा गया है, Stand in a circle। तो सबसे पहले हमको सर्कल में खड़े होना है। सेकेंड पॉइंट क्या है, Take the ball, tell your name। बॉल लेना है और अपना नाम बताना है, मतलब जिसके पास भी बॉल जाएगा वो बोलेगा माय नेम इज, जो भी रहेगा उसका नाम वो बोलेगा। थर्ड पॉइंट क्या है, थ्रो द बॉल टू योर फ्रेंड, यानी वो बॉल को थ्रो करना है, फेंकना है बॉल अपने किसी भी फ्रेंड को। और आस्क, फोर्थ पॉइंट क्या है, आस्क हिम और हर। हिम किसके लिए होता है बच्चों? हिम लड़कों के लिए होता है, हर लड़कियों के लिए। तो आस्क हिम और हर What is your name? जो बॉल फेंकेगा वो क्या पूछेगा कि What is your name? Fifth point क्या है, Catch the ball and tell your name। Continue the game until everyone gets a chance। मतलब कि वो बॉल कैच करना है और अपना नाम बताना है, और ऐसे ही गेम को कंटिन्यू यानी चलाते रहना है जब तक सबको चांस मिल ना जाए। तो बच्चों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है, बट इसको हम साथ में मिलकर खेलेंगे तो ही मज़ा आएगा। फिलहाल इस समय तो सब अपने अपने घरों में हैं, तो ये खेलना पॉसिबल नहीं है। अब लेकिन आप लोग इतना समझ लीजिए कि जो बॉल थ्रो करता है वो पूछता है व्हाट इज़ योर नेम, और जिस जिसको बॉल कैच होती है, पकड़ते हैं जितने भी लोग, वो अपना नाम बताते हैं, माय नेम इज सो एंड सो। अब यहाँ पे भी देखिए, थर्ड वाले में देखो यहाँ पे इस बॉय ने इस गर्ल ने फेंका है ना, एक गर्ल फेंक रही है और एक गर्ल कैच कर रही है, तो वो पूछती है व्हाट इज़ योर नेम, तो जो पकड़ रही है वो क्या बोल रही है, आई एम रिया। इस तरह सब लोग अपना नाम पूछ रहे हैं, बता रहे हैं व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ रिया, माय नेम इज़ सोनल, ऐसे करके नाम बताना है। तो बच्चों ये हो गया हमारा फन टाइम वाला गेम। और यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन क्या है, लुक एट द पिक्चर, फाइंड द गुड नेम फॉर ईच, यानी इस पिक्चर को देखो और अपने से कोई भी नाम बताओ। ये पेट्स जो दिखाई पड़ रहे हैं आप लोग को, यहाँ पर सबसे पहला पेट क्या है, डॉग है। हाँ, तो डॉग का नाम क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, जैसे तुम्हारे डॉग का नाम क्या है, टॉमी। हाँ, हम इसका नाम टॉमी रख सकते हैं। उसके बगल में क्या दिया गया है, कैट है। कैट का नाम क्या रख सकते हैं, पुस्सी कैट भी होता है, तो पुस्सी भी नाम होता है। उसके बगल में आप लोग देख सकते हैं कौन सा पिक्चर है, पैरट। पैरट का नाम क्या होता है, जैसे आप लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं, मिठू बहुत लोग बोलते हैं, तो मिठू ही सही, तो मिठू भी एक नाम हो गया है ना, पैरट को हमने नाम दे दिया। अब जैसे ये बोट हो गई, तो बोट का नाम क्या रख सकते हैं, बोट का भी हम नाम रख सकते हैं, कुछ भी नाम आप लोग सोचिए और रख लीजिए। जैसे बोट का कुछ भी नाम रखिए, जैसे हवाई बोट या फिर कोई भी नाम आप जो आपको अच्छा लगे आप रख सकते हैं। यहाँ पे डॉल है, डॉल का बच्चे अपने अपने मन से नाम रखते हैं, कोई भी नाम जिसे पसंद हो वो रख सकता है नाम, डॉल का मीनू, सोनल, कुछ भी नाम आप रख सकते हैं। हाँ, चाहे जिसको जो सौम्या नाम पसंद है, लड़कियों को बहुत सारे नाम पसंद होते हैं, तो अपनी डॉल का कुछ भी नाम रख सकती है। तो इस तरह कुछ पिक्चर्स यहाँ पे दिए गए हैं जिसे हमें बोला गया है कि उनके
नाम रखो। हाँ, तो लुक एट द पिक्चर, फाइंड गुड नेम फॉर ईच, यानी वो हमें फाइंड करना है उनका नाम क्या रखना है। तो ये भी लेसन जो था वो नेम के ऊपर ही था। जैसे कि हम लोग ने इसके पहले हम लोग ने व्हाट इज़ योर नेम, माय नेम इज़ राज, माय नेम इज़ रिया, जैसे हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा था, सेम उससे ही रिलेटेड ये गेम भी है। व्हाट्स योर नेम, एक पूछता है और दूसरा बताता है, माय नेम इज़ रिया, माय नेम इज़ सोनल, व्हाट्स योर नेम, आई एम रिया, आई एम प्रीति, कुछ भी नाम हम बता सक आई मीन जो अपना नाम है हम उसे बता सकते हैं। तो इस तरह हमारा ये लेसन भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपने अगले ऑनलाइन क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।